क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अरेंज मैरिज कर रही हूँ, लेकिन क्यों? और उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा है। फर्क तो क्या, एक कॉल भी नहीं कर सकता मुझे। हेलो वरुण, तुम्हारे पास एक ओटीपी आया होगा, ओटीपी देना। ओटीपी? हाँ, वो मैं जो तुमने एक आईडी बनाई थी ना, उसको लॉगिन कर रहा हूँ, तो ओटीपी मांग रहा है, आपके पास आया होगा, देना। क्या काम है तुझे? यार आप ओटीपी दे दो ना, आपसे ओटीपी मांग रहा हूँ। तुझे नहीं लगता तू ज्यादा फॉर्मल हो रहा है? अबे दे देना यार ओटीपी। क्या काम है पहले ये बता। मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है, वो चाहिए। उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तेरी मेरी फोटोज है बस। कम से कम झूठ बोलना तो सीख ले। बाय। सुन ना यार, आज मेरी हल्दी है। तो मैं क्या करूं? तुझे दुख नहीं हो रहा? अबे मुझे क्यों दुख होगा? इसीलिए ना आज हम साथ में नहीं है। सही है, कम से कम अपनी जिंदगी तो बचा ली मैंने। यार मेरा मन नहीं है ये शादी करने का। तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रही है? अपने घर वालों को बोल, मेरा दिमाग और मेरा टाइम क्यों खा रही है? शर्मा है यार, कहाँ देख के चल रहा है? कुछ नहीं यार, वो मेरी अपॉइंटमेंट है वो डॉक्टर के पास, क्या बोलते हैं उसे, डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी होता है बालों के लिए। डॉक्टर के पास? लेकिन क्यों यार? डैंड्रफ, हेयर फॉल, बहुत परेशान हूँ यार। और ये तेरे को नहीं होता क्या ये सब? ना भाई, मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इन सब प्रॉब्लम का ना मेरे पास एक सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन भाई, मुझे बताना यार, मेरे पैसे बचेंगे। भाई मैं तो मुश्ताक का कोकोनट और एलोवेरा हेयर एंड स्कल्प एक्सफोलिएटिंग शैम्पू यूज करता हूँ। ये एकदम मस्त दिखता है और मस्त काम भी करता है। भाई शैम्पू के अंदर है मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा, जो कि आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम एकदम दूर कर देता है। और तो और इसने मेरे बालों की ग्रोथ एकदम अच्छी कर दी है, क्वालिटी देख सकता है और देख शाइन भी देख सकता है। और सुन, ये सिर्फ हेयर फॉल से नहीं लड़ता शैम्पू, इसमें मौजूदा सैलिसिलिक एसिड एंड टी ट्री ऑयल मेरे बालों में डैंड्रफ होने से रोकता है एंड स्कल्प को क्लीन करता है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि ये मेरे सिर से एक्स्ट्रा ऑयल भी निकालता है और स्काल्प को नरिश भी रखता है। और इसके अंदर है मेंथोल, जो कि गर्मी में आपके सर को एकदम ठंडा ठंडा रखता है। भाई ये तो मेरा एकदम फेवरेट है। सिर्फ एक ही शैम्पू से मेरे बालों की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। और ये सिर्फ मर्दों के लिए बना हुआ है। ये कॉम्बो है जो कि फॉर्म बनकर ये सब इंग्रेडिएंट्स जो सीधा अपने स्काल्प तक पहुंचती है, ताकि ये सही से काम करे, जो कि नॉर्मल शैम्पू नहीं कर पाते, इसीलिए वो शैम्पू काम नहीं करते। और तुझे पता है एक सीक्रेट और है मेरे पास, बताऊं? हाँ बता बता। और भाई ये तुमको 249 की रेंज में आराम से मिल जाएगा, मतलब है ना मस्त, मतलब एकदम अफोर्डेबल प्राइस। ये तेरा ना 2 महीने बहुत आराम से चलेगा, तुझे हफ्ते में इसे सिर्फ 2 बार यूज करना है। अबे यार तूने कैसा बता दिया, मैं बताता हूँ मंगाऊं कहाँ से। ओ भाई तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, ये देख वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक दे रखा है, यहाँ पर जा और इसे ऑर्डर कर ले। और भाई एकदम इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। और बाकी तू मेरे बालों को तो देख ही रहा है, समझ ही सकता है, तो जल्दी से ऑर्डर कर ले। बस सही कह रहा है यार, तूने तो मेरे पैसे बचा लिए, अभी ऑर्डर करता हूँ देख। अबे ओए अब कहाँ जा रहा है? मैं दोस्त वेट कर रहा है ना, बच्चों के पैसे से पार्टी करूंगा, कुछ तो काम आए। सही है तेरा भी। वरुण तू यहाँ पर क्या कर रही है? ये जगह तेरे बाप की है। तू ना हद में रह के बात करा कर,
अभी भी सेम सेम गुस्सा है। हमेशा तेरा गुस्सा तेरी नाक पे रहता है ना। तू मुझे इतना बताएगी कि तू यहाँ पर क्या करने आई है? 4 दिन बाद मेरी शादी। तो ये बताने आई है मुझे? हाँ, तुझे इनवाइट करने भी आई। अच्छा वरुण, क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था कि हम दोनों एक दूसरे को रोक भी नहीं पाए? देख वर्षा, जो पीछे हम छोड़कर आए ना, मुझे उसके बारे में और कोई बात नहीं करनी। क्या गलती थी मेरी? कैसा लगा तुम्हें ये फ्लैट? फ्लैट तो अच्छा है, बट है किसका? 6 महीने के लिए हमारा है। 6 महीने के लिए हमारा मतलब? हम 6 महीने तक इसमें लिव इन में रहेंगे दोनों। क्या? हाँ। पर क्यों? यार देख, अगर तू चाहती है कि हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहें, तो हमें एक दूसरे को थोड़ा अच्छे से जानना होगा। पर क्या जानना है, हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं। देख, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आगे जाकर या तेरे में या मेरे में कुछ चेंज हो जाए, तो बस उसी के लिए बोल रहा हूँ। ओके जी, देखते हैं तेरे में और मेरे में क्या चेंज आए। ठीक है। लोग कहते हैं पागल, मैं भी न जानूं, दिल लुटाया है मैंने, अब किसी के न मानूं, चैन दे करके मैंने बेचैनियां ली है, नींदे उड़ा के मैंने तुमसे वफाए की है, कसम की कसम है कसम से जी रहे हम तेरे दम से, अब ये प्यार न होगा फिर हमसे, कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे, कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। वर्षा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? वर्षा,
वर्षा, वर्षा ऑफिस नहीं जाना क्या तुम्हें? नहीं यार, मैं नहीं जा रही आज ऑफिस। क्यों? मैंने आज ऑफिस से ऑफ लिया है। तुम भी ऑफ ले लो। ओ, मुझे जाना है ऑफिस। और हाँ, जब मैं ऑफिस से आऊँ तो प्लीज मुझे रेडी मिलना, क्योंकि हम जा रहे हैं मूवी के लिए। तुम क्या चाहते हो, मैं अभी से ही रेडी होना शुरू कर दूँ? और क्या, वैसे भी तुम लड़कियों को बहुत टाइम लगता है। यू उठो और फ्रेश हो लो। बाय बाय। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? ये देख रहा हूँ कि तुम सच में इतनी खूबसूरत हो या आज लग रही हो। अच्छा, चुपचाप ना, जल्दी से इसे आके बनाओ। चलो मैं चलती हूँ। कहाँ? सॉरी यार, तुम्हें बताना भूल गई। एक्चुअली मेरी फ्रेंड का ना रितु का बर्थडे है आज, तो वहीं जाना है। और जो हमारा मूवी का प्लान था वो? उसे कैंसिल करते हैं, कभी और किसी दिन चलेंगे। ठीक है, लेकिन प्लीज टाइम पे आ जाना। हाँ हाँ, पक्का मैं टाइम पे आ जाऊंगी। बाय बाय। वरुण, I'm really sorry. Sorry वरुण, गुस्सा है क्या? अगर तुम मुझे एक कॉल कर देती या एक मैसेज ही कर देती कि मैं लेट आऊंगी या मैं रात में आ ही नहीं पाऊंगी, तो कुछ चला थोड़ी जाता। यार फोन का पता ही नहीं चला, गाड़ी में तो नहीं पता चला, ध्यान भी नहीं रहा। कोई बात नहीं। अच्छा सुन, शाम को ना रितु का फंक्शन है, तो तू भी मेरे साथ चल रहा है? मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? मेरी मीटिंग है। देखो मेरे को नहीं पता, तुम अपनी मीटिंग बाद में करते रहना, बट मेरे साथ शाम को चल रहे हो। बाबा शाम को ही मेरी मीटिंग है, नहीं आ पाऊंगा, खामा का तुम बोल रही हो मुझे। अरे यार प्लीज, मुझे नहीं पता, तू साथ में चल रहा है? नहीं आ पाऊंगा यार, शाम को ही मीटिंग है मेरी। वरुण मुझे कुछ नहीं पता है, तू साथ में चल रहा है तो चल रहा है, और मैं वेट करूंगी। वर्षा देख, मैं नहीं आ पाऊंगा, बाद में बोलना मत मेरे को, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मेरी मीटिंग है शाम को, अभी से ही सॉरी बोल रहा हूँ, ना समझना मेरा। देखो मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम अभी अभी आई हो क्या वहां से? डोंट टॉक टू मी। यार वर्षा, तेरे सारे काम मेरे से पहले आते हैं ना। अबे यार तू कैसी बात कर रही है, क्या मैं तेरे को टाइम नहीं देता क्या? हफ्ते में दो बार मूवी कैंसिल करके बैठी हो तो, कभी तुम्हें अपनी दोस्त के बर्थडे में जाना होता है, कभी तुम्हें दोस्त के साथ शॉपिंग करने जाना होता है। ओह, इसमें भी मैं ही गलत हूँ, ठीक है। यार वर्षा ये सब छोड़ना, चल बाहर डिनर करने चलते हैं। वरुण मुझे कहीं भी नहीं जाना। तेरी फेवरेट आइसक्रीम खाने चलते हैं, चलें। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तू जा। गुजर जाएगा जी, सो जाओ। सीने में ही दब जाएगा ये बात भी अधूरी रह जाएगी।
और मैं अधूरे रह जाएंगे। झूठी थी कसमें तेरी, झूठे थे वादे सभी, झूठी थी तेरी हंसी, झूठे थे आंसू तेरे। अब यादों में आऊंगा मैं, रह जाएगी मेरी कमी, सजाए भी बोलेगी तुझको मैं क्या किया तुमने के। काश ऐसा भी होता तुम मेरे होते, मैं तुम्हारा होता तो ये गम ना होते। काश ऐसा भी होता तुम मेरे होते, मैं तुम्हारा होता तो ये गम ना होते। काश ऐसा भी होता तुम मेरे होते, मैं तुम्हारा होता तो ये गम। तो अब फाइनल हो चुका है क्या कि हम जिंदगी आगे साथ नहीं निभा सकते? अच्छा जी, एक गलत चीज को बार बार सही करना तो ये बहुत गलत है मेरे लिए, और मैं अब वो नहीं कर सकता। परुण, तुझे ना प्यार करना ही नहीं आता। सही कहा तूने, इन 6 महीनों में जो मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराई है ना, तो उस हिसाब से तो मुझे बिल्कुल भी प्यार करना नहीं आता। तो तेरा फाइनल है? बिल्कुल फाइनल है। तू ना रोएगा एक दिन ये सोचकर कि हम दोनों साथ में नहीं रह सके। आएगा ना शादी में? हाँ आऊंगा, और वैसे भी तू इतने प्यार से बुला रही है तो तेरे को कैसे मना कर सकता हूँ। अब मैं जाऊं? हाँ जा। पक्का जाऊं? बाकी क्या रह जाए यादें यादें ओ यादें। नगमे हैं शिकवे हैं किस्से हैं बातें हैं। अब ज्यादा अच्छी लग रही है तो किसी ने रोका नहीं तुझे यहां आने से? तेरी मां से पूछ के ऊपर आया हूं। अच्छा लगा कि तू मेरी शादी में आया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तुझे किसी और का होते हुए देख के। सब चीजें अपने हाथ में नहीं होती। सही कहा, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं, अगर हम उसको चेंज कर लेना
तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मैंने तुझे हर्ट किया है? थोड़ा सा। सॉरी। कोई बात नहीं, वैसे अब तेरी भी शादी हो रही है, मैं भी शादी कर लूंगा, टेंशन ना ले, मैं अरेंज ही करूंगा, क्योंकि लव अप के चक्कर में अब नहीं पड़ना। देख ली होगी तूने तो कोई अपनी मनपसंद? अगर देख ली होती तो यहाँ पर उसे मैं लेकर आता और उसे दिखाता कि यही वो लड़की है जिसने सबसे बड़ी जिंदगी गलती करी है मुझे खोकर। अब मैं कॉल या मैसेज नहीं करूंगी तुझे, सारे कॉन्टेक्ट खत्म कर दूंगी। वैसे तेरा दूल्हा देखा मैंने, बहुत अच्छा है, एक बात बता के जा रहा हूँ, उसे हमेशा याद रखियो, जिंदगी में अपने गुस्से पर कंट्रोल रखियो, और कोई कुछ बोले तो पहले सुन लियो कि वो तुझे क्या बोल रहा है। चलता हूँ मैं, बाय। वर्षा, क्या मैं अपनी प्यारी एक्स को हक कर सकता हूँ? तेरा इश्क मुझ में सांस ले रहा था, मुझको हुई ना खबर, मेरे अलावा जान गए सब, मुझ पे तू किन्ना मर्दा, मैं मुझे कैसे पता ना चला कि तू कर दा, मुझे कैसे पता न चला कि मेरा इंतजार कर दा, मेरे अलावा जान गए सब, मुझ पे तू किन्ना मरदा, मैं मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार कर दा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको मुश्टैक के हेयर एंड स्कैल्प एक्सप्लोडिंग के बारे में। तो गाइज ये है एक शैम्पू जो कि है बहुत ही अच्छा शैम्पू। गाइज आप इसको बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हो। गाइज आज के टाइम में 199 से लेकर 249 की रेंज में इतने सस्ते और बढ़िया शैम्पू मिलना बहुत मुश्किल है। गाइज ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है। तो गाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज बालों से रिस्क मत लो, आप वहां से इजीली से ऑर्डर कर सकते हो गाइज। ओके, तो जल्दी से जाओ लिंक पे क्लिक करो और इसको ऑर्डर करो। लव यू।